सुप्रभात कक्षा पांचवी। आज हम हिंदी व्याकरण में चित्र वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। आपका शीर्षक है पाठ 21 में चित्र वर्णन। जब हम किसी दृश्य को देखते हैं और उस दृश्य को देखने के पश्चात हमारे मन में जो जो बातें आती हैं, जो जो भाव उठते हैं, जो हम सोचते हैं और उसको सुव्यवस्थित ढंग से लिखते हैं, वही कहलाता है चित्र वर्णन। जैसे आप बाजार गए, पार्क गए, किसी बगीचे में गए, रेलवे स्टेशन गए, बस स्टैंड गए, स्कूल गए, तो हर जगह का जो दृश्य होगा अलग अलग प्रकार का होगा। तो वहाँ के दृश्य को जब आप एक एक चीज को गौर से देखते हैं तो आपके मन में कई प्रकार के विचार होते हैं। हर व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। कोई कुछ दूसरा सोचता है तो कोई दूसरा सोचता है, और जिस चीज को हम देखते हैं और सोचते हैं उसको लिखते हैं, वही कहलाता है चित्र वर्णन। जैसे आपकी किताब में दो चित्र दिए गए हैं, वो दो चित्रों के द्वारा आपको वर्णन करना है, उसके बारे में बताना है। एक है बगीचा, एक डाका। आप मन में कुछ सोचिए, जब आप बगीचे में जाते हैं तो वहां क्या दृश्य होता है, कैसा दिखता है, क्या क्या चीजें होती है। जब आप डाकखाना जाते हैं, डाकखाना मतलब पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, वहां पर कैसे क्या रहता है, तो आप ध्यान से उसे देखें। जब ध्यान से देखेंगे, उसको सोचेंगे और उसके बारे में फिर आप लिखेंगे, वही अच्छे देखेंगे हैं। तो आपको हम सबसे पहले बता रहे हैं बगीचे के बारे में। आप देखिए आपकी किताब में ये जो है बगीचे का दृश्य बना हुआ है। इस बगीचे में आप देखिए क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं कि ये जो बगीचा बना हुआ है, इस बगीचा में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे सारे के सारे भरपूर आनंद ले रहे हैं, सब मजा ले रहे हैं बगीचे का। क्यों? क्योंकि वहां का जो वातावरण है बहुत अच्छा है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा लग चल रही है। अब देखिए उस चित्र को देखकर आपको जानना है कि इस बगीचे में क्या क्या हो रहा है। तो आप देखिए, सबसे पहले देखिए ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये व्यायाम कर रहा है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हष्ट पुष्ट रखने के लिए ये व्यायाम कर रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर, इस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ जो बुजुर्ग है और उसके हाथ में क्या है, अखबार, वो समाचार पत्र बैठकर पढ़ रहा है। अब देखेंगे ये कुछ बच्चे झुंड में हैं, इससे मिलकर खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं। आप देखिए इस बच्चे को आकाश में, खुले आकाश में पतंग उड़ा रहे हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति है कि कुत्ते को लेकर उस बाग में सैर कर रहा है, घूम रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस बगीचे में सभी अपने अपने कुछ न कुछ काम में लगे हुए हैं, और बगीचे का जो वातावरण है किसे अच्छा नहीं लगेगा, हरियाली, रंग बिरंगे फूल लगे हुए होते हैं, खुशबूदार फूल, तितली भौरे मंडराते रहते हैं, तो वो बगीचे का दृश्य जो होता है वो अलग ही दिखाई देता है। दूसरा है आपका डाकखाना। डाकखाना मतलब पोस्ट ऑफिस। अब वहां पर क्या क्या होता है, अब देखिए ये डाकखाना का चित्र बना हुआ है, ठीक है। ये जो एक ये दिख रहा है, यहाँ पे टिकटें दी जाती हैं। दूसरा ये जो दिख रहा है, यहाँ पर हमें अगर किसी सामान का पार्सल करना है, कहीं भेजना है, तो यहाँ पर काम होता है। और आप देखेंगे कि आज संचार के माध्यम से कई साधन हो गए हमें कहीं भी कुछ भेजने का, लेकिन आज भी डाकघर में उतने ही काम होते हैं जैसे पहले काम होते थे। आप देखें दो काउंटर, एक काउंटर में टिकट दी जा रही है, एक काउंटर में पार्सल का काम हो रहा है। तो आज भी लोग डाकखाने में जाकर पार्सल भिजवाने का काम करते हैं। तो ये हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, आपको कोई भी दृश्य दे दिया जाएगा, आप उसे गौर से देखेंगे, समझेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। आप जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन गए, अब रेलवे स्टेशन में आपको वहां का क्या दृश्य दिखाई देता है, क्या दिख रहा है, कोई ट्रेन आके रुकी है, लोग दौड़ रहे हैं उसमें चढ़ने के लिए, कुछ लोग उतर रहे हैं, कुली सामान लेने के दौड़ दौड़ कर चल रहे हैं, कोई आप ट्रेन देख रहे हैं कि कोई ट्रेन चल पड़ी है, कुछ सवारी छूट गई है, नहीं चढ़ पा रहे हैं,
दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रही है, कुछ खाने पीने की चीजें वहां पर मिल रही है, तो कई प्रकार के दृश्य आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं। बाजार चले जाइए, बाजार में भी तरह तरह की आवाजें सुनाई देंगी, तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह की चीजें आपको दिखाई देंगी। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, सरल शब्दों में जिसे लिखते हैं वही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो आप भी किसी भी चित्र वर्णन, तो आप बाजार अगर आपको कोई विषय दे दिया जाए तो आप बाजार के बारे में चित्र वर्णन कर सकते हैं, वहां का दृश्य देख लीजिए, उसके बारे में सोच लीजिए और उसी प्रकार से ऐसे अनुच्छेद लेखन और ऐसे चित्र वर्णन। चित्र वर्णन चित्र को देखकर वर्णन किया जाएगा और अनुच्छेद लेखन किसी भी एक विषय पर आपको देख लिया जाएगा और उसके बारे में आप बहुत सोचिए समझिए और उसके बारे में आप लिखिए। तो आप भी चित्र वर्णन कोई भी आप चित्र देखिए, उसको गौर से देखिए, समझिए और उसके बारे में लिखने का प्रयास कीजिए।